कड़कड़ाती ठंड है और हार्ड को कपाती सर्दी। जी हाँ, इस समय मैं बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ और यह अवसर है मकर संक्रांति सम्मान समारोह का। दिल्ली रोहतक रोड पर राजेश जून जी का कार्यालय है, जहाँ आज 10वां दिन है मकर संक्रांति सम्मान समारोह का। लगातार भीड़ का उमड़ना जारी है। आज हार्ड को कपाने वाली सर्दी है, तेज हवाएं चल रही हैं, बावजूद उसके ये जो स्नेह है, ये जो प्यार है, दुलार है राजेश जून के प्रति हल्का बहादुरगढ़ वासियों का, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जून साहब, बड़ी चर्चाएं हैं आपके मकर संक्रांति समारोह की। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे प्रोग्राम का जो हमने शुरुआत में घोषणा करी थी कि हम ये मकर संक्रांति सम्मानित समारोह हम 1 जनवरी से 20 जनवरी तक 20 दिन तक ये चलाएंगे, और हम हाथ जोड़ के विनती करी है हल्के पूरे हल्के के मतदाताओं के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं। और हमने वोटर कार्ड इसलिए मांगा है कि सुचारू रूप से एक सिस्टम को चलाने के लिए। तो मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा कि आज 10 तारीख होगी, 10वां दिन है। बहुत ही अच्छा मुझे सहयोग मिला है इस हल्के के मतदाताओं से, और कल 9 तारीख तक हम तकरीबन 29,000-28,000 समथिंग एंट्री हमारी हो चुकी है। लोगों को हम ऑन रिकॉर्ड मतदाताओं को जिसके पास वोटर कार्ड जिसने यहाँ एंट्री करवाई है हम सम्मानित कर चुके हैं, ये आशीर्वाद मिला है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी भीड़ पहले की अपेक्षा अब कम हो गई है। कल का रिकॉर्ड देखा जाए तो संडे को 3800 कुछ की एंट्री थी, सोमवार को मंगलवार को थोड़ी कम हो गई है। तो जो लोग मुझे ये फ़ोन कर रहे थे कि भाई अभी भीड़ ज़्यादा है, थोड़ा रुक के आएंगे, भीड़ ज़्यादा थोड़ा रुक के आएंगे, तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले की अपेक्षा थोड़ी भीड़ कम होती जा रही है कल से, या ठंड का कारण है, आप आना शुरू कर दें और जो मेरा न्योता है उसको स्वीकार करके इस सम्मानित समारोह में अपना जोर शोर से आएँ। और आप क्या बता रहे थे? मैं कह रहा था सर के हल्के में चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि राजेश जून के यहाँ जो हजारों लोग पहुंच रहे हैं, ये 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, राजनीति है। संजय जी, मतलब कौन से लोग? दो तरह के लोग होते, एक आम जनता है, एक राजनीतिक आदमी है। देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले एक इसको अपना लोगों से मेल जोल मानता हूँ, अपना मेल जोल करना चाहता हूँ। एक ये धर्म का खाता भी है, और मैं आपकी बात का जवाब ये देना चाहता हूँ उन साथियों को भी जो साथी अगर ये चर्चा करते हैं, पूछना चाह रहे हैं। निसंदेह 100% मैं ये राजनीति कर रहा हूँ। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांग रहा हूँ, लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के लिए अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। किसी को कोई शक हो तो क्लियर कर लें इसको। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार कर रहा हूँ, विधानसभा में राजेश जून स्वयं सेल्फ अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ। इसमें ये पूछने वालों की भी गलती है। जब पिछली बार 2019 में मेरी पार्टी के सभी नेताओं ने, मेरी पार्टी के सभी सहयोगियों ने, हमारे जो एक ग्रुप है इस कांग्रेस पार्टी का, या मेरा जो सहयोगी है, मेरे जो 29,000 वोट हैं, आप सभी लोगों ने ये फैसला किया था राजेश भाई काम बिगड़ रहा है, बीजेपी वाला बन जाएगा, आप मान जाओ। मैं मान गया, अगली बार आपको लड़ाएंगे, अब मेरे को लड़ाओ। उसमें पूछने वालों की प्योर गलती है। और मैं तो उनको आपको ये भी सलाह देता हूँ भाइयों, ये एक अच्छा काम है, ये 36 बरादरी का मेल जोल का काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाट जाट आ जाओ, आप पंडित जी आ जाओ, आप SC ST वाले आ जाओ, 36 बरादरी का ये सम्मेलन है। हम सब मिल के रहना चाहते हैं, आपस में मेल जोल बना के रहना चाहते हैं। मैं अपने दूसरे भाइयों को भी जो ये पूछना चाहते हैं उनको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप भी कुछ करिए, भाईचारे को जात बरादरी में मत बांटो, मेल जोल बनाओ, मेल जोल में ही कामयाबी है। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ 100% ये राजनीति भी है, और मैं 36 बरादरी से मिलकर रहना चाहता हूँ, और मुझे इस बात का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सभी से द्वारा अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भाई नहीं आए हैं वो भी आए। भाई राजा सुन की।
हमारा सिम सिमाड़ू सोल देख है हाँ और के ठीक काम करे जब बताए साढ़े उठ के लड़ना चाहिए ना क्यों ने बढ़ना चाहिए वोट कती पक्की देंगे ना क्यों ने हाँ ठोक के जब कती ठोक के जब बताए यार पाठा का हाँ काम छोड़ का है अपना हाँ कती फल जब बता रहे हाँ हाँ जीतना चाहिए और जब बताए हाँ तो ला रहे हम तुमने जीतेगा जीतेगा और कहेंगे किए ना ले रहेंगे ठीक है और जो मुझ लेने वादा करे धनक भैया अगली बार टिकट आपकी तब देवा क्यों नहीं रहे मदद क्यों नहीं करे भाई साहब की ये है? इसका पूरा हक बना है यार पूरा सौ का सौ हक बना है पक्का जताओगे या इतनी पब्लिक हुए साथ आ रही के और जाडे में जडाई मरती उठकारी ये बूढ़ी बूढ़ी बीरबानी ने देखन तो इनकी कंडीशन है पूरा पूरा जताओगे राजेश भाई ने कती राजेश ने पूरा लगाता हुआ है राजेंद्र जून खड़ा भी होगा तो उसकी वोट ना है गामा में भी यो बैठ गया था बठाई तो बैठ गया था वो लड़ाई कर रहा है वो मानता नहीं बात को उसको शर्माना चाहिए बैठना चाहिए बढ़िया बढ़िया तभी बढ़िया होना चाहिए यो काम है और यह जनता सारी इसके साथ है देगी क्यों ना ठोक कमल आदमी है जब यह जनता वह है ठोक कर वोट देगी और तनबंधन से हम जून साहब के साथ हैं ना जिताएंगे जैन ने वादा खिलाफी करी तो निर्दलीय उठाएंगे जिताएंगे अब की बार ना तब टिकट ना जीते इन्हें पहले पिछले साल वादा किया था जो टिकट अगीब के ने जून साहब तीन राजेंद्र तीन दें हाँ अगली बार राजेश जून की टिकट है अग चाहिए वैसे तो जब जो बाण पर डटेंगे तो हाँ टिकट देनी चाहिए ना मिली तो निर्दलीय ठावांगे जितावांगे हाँ वोट देंगे बिल्कुल बिल्कुल देंगे खुल के देंगे वोट इसी को देंगे और दिया है भगवान भला करे मैं कहता हूँ ऐसा इंसान सब बने इनमें किसी बात की कमी नहीं है पूरी इतना धर्मपूर्ण करता है शायद हमारे इलाके में कोई नहीं है बना के छोड़ेंगे कत्ते अंगाला रहे भाई हाँ कत्ते जताएंगे और बढ़ना चाहिए क्यों पहला भी काम करवाए सब कैरीबाग का भी करा होगा और भैया तो धर्म का काम है यो को है अपनी वोटा का मारे नहीं करता मैं जो बात होगी वह कहूंगी धर्म भी करा है धर्म इसने के यो करा यो भी अपने लिए करा है वो हमारा काम अभी दीन मान पर रहना चाहिए दीन मान जो है ईमानदारी वह साथ चल लेगी हाँ और इतना बढ़िया आदमी है बहादुरगढ़ में कोई भी नहीं देवता कहते हैं इसको देवता है बदलाव होना चाहिए हाँ बिल्कुल 101% पक्का राजेश जून की तो देनी है और किसकी देनी है बिल्कुल पक्का बदलाव जरूरी है भाई कत्ती घना बढ़िया ओके कत्ती खुश सी अरे मारा है बड़ा है उड़ता मारा बेटा जून है हाँ उठेगा तो हम रहे हम ठानिया कत्ती हाँ करेंगे बेटा कत्ती खूब पक्की हाँ आशीर्वाद को छक्के जाओगे बेटे अरे और क्या करोगे आशीर्वाद देंगे पूरा देंगे वोट देंगे क्यों ना और कत्ती हमने तो पहले भी जी थी रही फिर जाएंगे हाँ कच्ची छोड़ देगी जनी बोट ठीक हो सकेगा मरा जिस तय भूज ले ये फिर डोला ना भर जाए ठीक कर रहा है ठीक बढ़िया काम कर रहा है भाई अच्छा हाँ बढ़िया रह देंगे भाई और खूब खूब देंगे ना क्यों ना मैं बता रही हाँ ये कह रहा जैसे हाँ ना ठीक है जून अरे खूब राजेश जून कति बढ़िया हाँ सही करा कति बढ़िया दिया करेंगे ही कभी करांगे जुटाएंगे और हाँ देंगे बढ़िया काम करे है कति शर्त और वोट देंगे देंगे कति और वोट देने खाते तो लड़ा है सर के धक्के खाना मारा के लुगड़ी से कोई ना और हाँ पक्का हाँ राम राम जी वोट देने की बहुत बहुत
रहे है। बहुत अच्छा आना चाहिए और करेंगे जब बता रहे। बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, पक्का कती ठोक है भाई मारे कहते थे, बिल्कुल हाँ जी भाई बढ़िया आदमी है जी। हाँ वोट देवाई भाई की ठोक, समाज सेवी आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बिल्कुल जरूर देंगे, बिल्कुल जरूर देंगे, वोटर जितावांगे, सही सेवा कर रहा है, आना चाहिए भाई, बनना चाहिए भाई, बढ़िया काम कर रहा है भाई, बढ़िया आदमी है, कई सालों से सेवा कर रहा है पब्लिक की। हाँ जी हाँ बिल्कुल लड़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल देंगे तय दिल से, बढ़िया काम है, ठीक कर रहा है, इलेक्शन लड़ेगा जितावांगे खूब आराम से, इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए और ये बहुत वोटों से विजय होंगे, बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, हाँ लड़ना चाहिए जीतेगा, हाँ गांव में कई बजा लिया, हाँ बढ़ना भी चाहिए, हाँ बढ़ना चाहिए, टंडा लीडर कैसा प्रोग्राम है, बढ़िया है, कमल चल रहा है, घना बढ़िया आदमी, किसान है आदमी तो बढ़िया है, राजेश बढ़िया आदमी है, हम त्यार खड़े और जतावांगे भाई, राजी हो गए, हाँ टिकट मिल गई पक्का, बना रहे पास वादा भी करया था, गरीब के ने वादा इसका था पासले प्लान में, तू बैठ जे भाई राजेंद्र और राजेश टिकट देंगे, मिलनी चाहिए और हम तो कोशिश करांगे, लड़ना चाहिए, टिकट भी मिलनी चाहिए, हाँ जी अच्छा आदमी है, कामयाबी मिलेगी, जनता करिए हम करें दिल खुद से, लड़ना चाहिए, पिछली बार बोला था भाई आपको वो मिलेगी टिकट, अब की बार बैठ गया राजेंद्र जून ने, तब की बार टिकट मिलनी चाहिए और बनेगा बनेगा ना तो पब्लिक दिखा देगी, हाँ जी और लड़ना चाहिए, हम आप सबके साथ हैं राजेश जून के, बिल्कुल हाँ खुल गया कथिया, हाँ अब की बार पूरे बहुमत से जताऊंगे, हाँ जताऊंगे एक तरफ का तो पक्का। मकर संक्रांति सम्मान समारोह का 10वां दिन हल्का वासियों में वही जोश उत्साह व राजेश जून के प्रति स्नेह लगाव व आशीर्वाद देने का सिलसिला लगातार जारी, राजेश जून ने जताया सभी का आभार, लोकसभा चुनाव में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हल्का बहादुरगढ़ से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनाव में हल्का बहादुरगढ़ वासियों के आशीर्वाद से आप सभी के सहयोग से चुनाव जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, यह कहना है हल्का बहादुरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून का। मकर संक्रांति सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राजेश जून ने कहा कि मैं समस्त हल्का बहादुरगढ़ वासियों का धन्यवाद करता हूं कि वो हर रोज मेरे कार्यालय पर पहुंचकर इस मकर संक्रांति सम्मान समारोह में शामिल होकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूं। राजेश जून ने कहा कि पूर्व में मुझे मिले लगभग 29,000 वोटों और 2014 से 2024 तक 10 सालों में मुझसे जुड़े मेरे समर्थकों, मेरा भाईचारा, मेरे मिलने जुलने वाले सभी हल्का बहादुरगढ़ वासियों की यही इच्छा है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूं और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि 2024 का विधानसभा चुनाव मैं समस्त हल्का बहादुरगढ़ वासियों के सहयोग से उनके आशीर्वाद से लड़ूंगा। मकर संक्रांति सम्मान समारोह भाईचारे का, आपसी मिलन का, प्यार प्रेम का समारोह है, सभी 36 बिरादरी के मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, काकी, ताई सभी इस समारोह में पहुंच रहे हैं। संक्रांत मनाने की वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूं, मैं भाईचारे में यकीन करता हूं, मेरी नज़र में सभी 36 बिरादरी व सभी धर्म, सभी वर्ग, जाति एक समान है, मानवता, इंसानियत और सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, हल्का बहादुरगढ़ वासियों द्वारा मिल रहा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मेरी ताकत है, मैं सभी हल्का बहादुरगढ़ वासी भाई बहनों से अपील करता हूं कि जो अभी तक मेरे कार्यालय में नहीं आए हैं वे अवश्य यहां आएं और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, भाईचारे के इस सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाएं।
राजेश जून के कार्यालय पर आयोजित मकर संक्रांति सम्मान समारोह में लगातार भीड़ का पहुंचना जारी है। बुजुर्ग महिलाएं और हल्के के वयोवृद्ध बुजुर्ग भी इस समारोह में पहुंच रहे हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने वहां पहुंचकर राजेश जून द्वारा आयोजित इस मकर संक्रांति समारोह में न केवल शिरकत की बल्कि अपना सहयोग और समर्थन देने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। राजेश जून ने सभी उपस्थित जनों का स्नेहिल हृदय से स्वागत करते हुए अभिनंदन किया, साथ ही उनका आभार प्रकट करते हुए राजेश जून स्वयं एक विकलांग के पास पहुंचे और उनको सम्मानित किया। लगातार हल्के में मकर संक्रांति सम्मान समारोह की चर्चाएं जारी है और हर हल्का बहादुरगढ़ वासी राजेश जून से मिल रहा है। राजेश जून जी अपनी पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। मात्र शक्ति की बड़ी संख्या में उपस्थिति और महिलाओं का दोनों हाथ उठाकर राजेश जून को आशीर्वाद देने की भी चारों ओर चर्चाएं हैं।